दोस्तों एक पल के लिए सोचिए जरा, अगर दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर नेवी यानी चीन की नौसेना इस समय भारत पर हमला कर दे तो क्या होगा? क्या हम इतने सक्षम हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे? क्या भारत की शक्ति इतनी है जो अमेरिका की नौसेना से भी शक्तिशाली चीन की नेवी को धूल चटा पाएगी? आपकी तरह ये सवाल हमारे भी दिमाग में कई दिनों से गूंज रहा था कि आखिर दुनिया में युद्ध का माहौल बना बनाया है और भारत को दुश्मनों की कोई कमी नहीं, और अगर इसी बीच भगवान ना करे अगर भारत के सामने भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो भारत क्या करेगा? इसी सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, आपके सभी शंकाओं को दूर करेंगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने पाकिस्तान को भारत का कोई कॉम्पिटिटर नहीं माना है, क्योंकि इतना तो साफ हो गया है कि भेड़िया कभी भी शेर पर हमला करने की सोच नहीं सकता, और जिस दिन सोच भी लेता है वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। दूसरी बात, हमने इस वीडियो में केवल नेवी की ही तैयारियों को एनालिसिस किया है और उसी की तैयारियों के बारे में बताया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों चीन और पाकिस्तान की ओर से लगातार बढ़ते खतरों को लेकर इंडियन नेवी बड़ी तैयारियों में है। क्वाड की कूटनीति तो चल ही रही है। इंडियन नेवी भी पिछले कुछ महीनों से क्वाड के सदस्य देशों के साथ समुद्र में संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है, मगर इन सब में सबसे जरूरी चीज है हथियार। तो आपको बता दें कि इंडियन नेवी इन दिनों बहुत सारे हथियार टेस्ट कर रही है। बात एयरक्राफ्ट कैरियर से ही शुरू करें, जिस पर ढेरों लड़ाकू विमान रहते हैं और बड़ी दूर तक मार करते हैं। इंडियन नेवी को अगले 3 महीने में यानी अगस्त तक अपना दूसरा और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिलने जा रहा है। अभी तक नेवी के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है। क्यू कैटेगरी का ये कैरियर नेवी को 2014 में मिला था और फिलहाल पश्चिमी समुद्र तट पर तैनात है। लंबे समय से पूर्वी समुद्री तट पर विशाखापट्टनम में रखने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए था। विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक है। कहने की तो जरूरत नहीं कि कोचिन शिपयार्ड में बने विक्रांत से इंडियन नेवी को एक और मोबाइल एयरफील्ड यानी समुद्र में चलता फिरता एयरपोर्ट मिल जाएगा। चीन के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़े हैं। चीन अपना 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है। उसके परमाणु ईंधन से चलने वाले 4थे सुपर कैरियर बनाने की भी तैयारी है। चीन की योजना है कि 2030 तक 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी नौसेना में हो। हिंद महासागर रीजन की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि यहाँ हर वक्त अलग अलग देशों के 60 से ज्यादा वॉरशिप ऑपरेट करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर से किसी भी देश की युद्ध क्षमता बढ़ती है, क्योंकि ये सिर्फ अपने बेस के पास ही नहीं बल्कि किसी भी लोकेशन पर जा सकता है। इसी साल भारतीय नौसेना को मिलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत में 36 से 40 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। इनमें 26 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान ही इस पर MiG-29 के तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा इस पर कामको 31 हेलीकॉप्टर MH-60R मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। भारत ने भी नौसेना की ताकत को बढ़ाने पर काम किया है। भारत का जोर स्वदेशी क्षमता बढ़ाने पर भी है। नौसेना के लिए इस वक्त कई स्वदेशी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 सबमरीन बनानी है। इनमें से 4 सबमरीन बनकर नौसेना में शामिल भी हो चुकी है। 5वीं सबमरीन वागीर का ट्रायल चल रहा है। प्रोजेक्ट की 6ठी सबमरीन वागशीर को कुछ दिन पहले ही समुद्र में उतारा गया, अब इसका भी वही ट्रायल होगा। ये दोनों सबमरीन नौसेना को अगले साल मिल जाएंगी। इसी तरह प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनने हैं। पिछले साल नवंबर में ही इस प्रोजेक्ट का पहला डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम नौसेना में शामिल हुआ, दूसरा डिस्ट्रॉयर इसी साल, तीसरा 2024 में और चौथा डिस्ट्रॉयर 2025 में नौसेना को मिल जाएगा। विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और यह दुश्मन के रडार की नजर से बचकर ऑपरेट कर सकता है। इसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं। इसमें आधुनिक सर्विलांस रडार फिट है जो टारगेट का डेटा सीधे वॉरशिप के वेपन सिस्टम में भेज देगा। ये सबमरीन से भी निपटने में सक्षम है। ये डिस्ट्रॉयर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल युद्ध भी ऑपरेट कर सकता है। एक और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है
जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। इस प्रोजेक्ट के तहत नीलगिरी क्लास फ्रीगेट बनाए जा रहे हैं। कुल 7 फ्रीगेट बनने हैं। इनमें से 2 फ्रीगेट समुद्र में लॉन्च किए जाएंगे। जल्द ही इनका ट्रायल शुरू होगा। दोस्तों आपको बता दें कि फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर में साइज के साथ ही क्षमता का भी फर्क होता है। फ्रीगेट के मुकाबले डिस्ट्रॉयर करीब 1.5 गुना बड़ा होता है। फ्रीगेट किसी एक तरह के रोल के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है और बाकी रोल में इसका इस्तेमाल रक्षात्मक रोल के लिए करते हैं, जबकि डिस्ट्रॉयर में कई रोल निभाने की क्षमता है। इसे एंटी सबमरीन, एंटी शिप या फिर एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सभी में उतनी ही सटीकता से अपना रोल निभाता भी है। आइए अब जानते हैं भारतीय नौसेना की ताकत। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि आज भारतीय नौसेना के पास लड़ाकू विमान ले जाने वाला युद्धपोत INS विक्रमादित्य है। भारतीय नौसेना के पास विध्वंसक फ्रीगेट, लड़ाकू जलपोत, पहरा देने वाले जहाज, परमाणु पनडुब्बियां सहित दूसरी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स, युद्धपोत, पेट्रोल एंड कोस्टल जहाज और युद्ध क्षमता से लेस एयरक्राफ्ट भी है। नौसेना में करीब 70,000 सैनिक हैं, जिनमें मरीन्स और नेवल एविएशन स्टाफ शामिल हैं। शक्तिशाली और आधुनिक हथियारों से लैस इंडियन नेवी के सामने पाकिस्तान की नौसेना कहीं नहीं टिकती। पाकिस्तानी नौसेना के जंगी बेड़े में 9 युद्धपोत, 8 पनडुब्बी, 17 पेट्रोल और कोस्टल जहाज और 8 युद्ध एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। समुद्री सीमा की रक्षक है इंडियन नेवी। दोस्तों इंडियन नेवी के पास बेहद आकर्षक जहाज, सबमरीन, एयरक्राफ्ट की फ्लीट है। भारतीय नौसेना देश की कई किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर अपनी कड़ी निगाह रखती है। इंडियन नेवी में मौजूद कई शक्तिशाली युद्धपोत और पनडुब्बियां किसी भी वक्त अपने लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम हैं। भारत की पहली न्यूक्लियर स्वदेशी सबमरीन INS अरिहंत भी अपनी पेट्रोलिंग पूरी कर चुकी है। जिस नौसेना में जितनी ज्यादा पनडुब्बियां होती है वो उतनी ही ताकतवर मानी जाती है। भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में INS कलवरी, INS अरिहंत, INS खंडेरी, INS सिंधु घोष, INS चक्र 2, INS करंज जैसी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां शामिल हैं। ये सभी सबमरीन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और दुश्मन को चकमा देने में माहिर हैं। इतना ही नहीं, ये लेजर गाइडेड हथियारों के माध्यम से अपने लक्ष्य को निशाना बनाने में भी सक्षम हैं। ये पनडुब्बी पानी के अंदर और सतह पर टॉरपीडो, एंटी शिप मिसाइल के माध्यम से हमला कर सकती है। INS चक्र 2 को भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत वाली पनडुब्बी कहा जाता है, जिसका मुकाबला पाकिस्तान की कोई भी सबमरीन नहीं कर सकती। वहीं भारत के पास INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी भी है। इसमें समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इंडियन नेवी के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है, जिसकी खासियत ये है कि ये एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जो समुद्र में पानी के नीचे चलने वाले सबसे तेज मिसाइल है। ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। केरल में इंडियन नेवल अकेडमी भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ी अकेडमी है। INA के पास 7 किलोमीटर का एक बीच भी है जो सिर्फ नौ सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय नेवी के पास अपनी कमांडो फोर्स भी है, जिसे मार्कोस या मरीन कमांडोज कहा जाता है। भारतीय नौसेना के बेहद भरोसेमंद कमांडो हैं, जिन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन पर भेजा जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय नौसेना की ताकत के आगे पाकिस्तान फिसड्डी है। अगर भविष्य में पाकिस्तान या चीन भारत पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो इन दोनों को करारा जवाब मिलेगा। थल, जल और वायु, इन तीनों सेनाओं के सामने पाकिस्तान को हार मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। पाकिस्तान के पास युद्ध के लिए आर्टिलरी की भी भारी कमी है। ऐसे में वे ज्यादा दिन भारत के सामने टिक भी नहीं सकता। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जल्द से जल्द हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।